SCPCM, second year, unit 3rd, book 3rd, lecture 11th by Twinkle. हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने क्लॉसमोसिटी रिलेशन और फील्ड फोर्स एनर्जी इन डायलैक्ट्रिकल डेरिवेशन को बारे में पढ़ा था. आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोकल और इंटरनल फील्ड. इस डेरिवेशन की जो हमारी रिलेशन निकल के आई थी उसका यूज़ हमने क्लॉसमोसिटी रिलेशन में यूज़ किया था अपने डेरिवेशन को कम्प्लीट करने के लिए. तो हाँ, आज हम इस डेरिवेशन के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो यह है हमारा इलेक्ट्रोस्टेटिक इक्वेशन विद डायलैक्ट्रिक्स, लोकल और इंटरनल फील्ड. द इंटरनल फील्ड सीन बाय एन एटम, जो हमारी इंटरनल फील्ड है एटम के थ्रू जो देखी जाती है वो इक्वल नहीं होती है हमारी एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड. जो हमारी एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड होती है और जो हमारी इंटरनल फील्ड होती है वो सेम नहीं होती, क्योंकि जो एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड होती है वो होती है हमारी कैपिटली इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंटरनली एटम के थ्रू होते हैं बहुत सारे पार्ट्स में वो डिवाइड होकर हमारी अपेयर होती है. तो जो इंटरनल फील्ड है ई आई, वो क्या बना हमारा E प्लस द फील्ड ड्यू टू ऑल अदर डाइपोल्स, वेयर E इज़ द मेन एक्सटर्नल फील्ड. तो हमारा E क्या है, मेन एक्सटर्नल फील्ड है. तो देखिए, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक एक्सपोज टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोलराइजेशन टेक्स प्लेस, तो ये हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने इसे प्लेस्ड किया तो क्या हुआ, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस फर्स्ट प्लेट पे हमारे यहाँ पे अपेयर हो गए. जब हमारे पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट प्लेट पे अपेयर हो गए तो जो हमने डाइलेक्ट्रिक यहाँ पे प्लेस्ड किया है तो डाइलेक्ट्रिक की ये इधर वाली जो प्लेट आएगी उसके ऊपर क्या होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज की वजह से कौन सा चार्ज अपेयर होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा. अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपेयर हो रहा है तो इस वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज अपेयर होगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज. अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपेयर हो रहा है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज अपेयर होगा, हमारा इस चार्ज की वजह से नेगेटिव चार्ज. ये हमने डायपोलराइजेशन के कंसेप्ट में बताया था. अब क्या होगा, अब हमने कंसीडर किया डायलैक्ट्रिक के अंदर भी एक एटम है. अब उस एटम को क्या होगा, एटम के अंदर भी हम पोलराइजेशन के कंसेप्ट को लगा सकते हैं कि यहाँ पे भी पोलराइजेशन होगा. तो अगर यहाँ पे इस प्लेट पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो यहाँ पे भी इस प्लेट पे जो एटम्स के इस साइड पे कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव चार्ज. और अगर इधर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इधर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज. तो हमने इतने बड़े पोर्शन में एक स्फेयर को कंसिडर कर लिया और एक पॉइंट कंसिडर किया ए पॉइंट. ठीक है, तो व्हेन एन डायलैक्ट्रिक इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिक फील्ड पोलराइजेशन टेक्स प्लेस, तो डिफरेंट सेट्स ऑफ क्यू डायपोल्स आर फॉर्म्ड इन द डायलैक्ट्रिक मटीरियल. तो अलग अलग सेट ऑफ चार्जेस के डायपोल्स हैं जो हमारे डायलैक्ट्रिक मटीरियल में हमारे सेटअप हो जाएंगे. जैसे ये ए अपेयर हुआ है इस पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से, सिमिलरली बहुत सारे सेट्स ऑफ क्यू हैं जो चार्जेस हैं इस डायलैक्ट्रिक के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्रिएट हो जाएगा. तो कंसिडर अ स्फेरिकल कैविटी ए, तो अगर हमने यहाँ पे एक स्फेरिकल कैविटी को कंसिडर किया है ये डायलैक्ट्रिक के एटम के अंदर, तो अब क्या होगा, हमें कैलकुलेट करनी है टोटल फील्ड प्रेजेंट एट अ पॉइंट ऑन एन एटम. तो ये जो एटम कंसिडर किया कि इस पे हमारी टोटल इंटरनल फील्ड इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से कितनी हमारी क्रिएट हो रही है, तो इसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. टू कैलकुलेट टोटल फील्ड प्रेजेंट एट अ पॉइंट पॉइंट ऑन एन एटम ए, ए पॉइंट पे कितनी हमारी टोटल फील्ड लग रही है. ठीक है, तो इन डायलैक्ट्रिक के अंदर ही उसे हम क्या कंसिडर करेंगे, अपनी इंटरनल फील्ड. द डायपोल पॉइंट एट ए इज इमेजिन टू बी सराउंडेड बाय, तो जो डायपोल पॉइंट है ए वो हमने सराउंड क्या क्या कंसिडर किया, क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट को हम कौन से सिमेट्री को लिए कंसिडर करते हैं, स्फेरिकल सिमेट्री, पॉइंट सिमेट्री के लिए हम स्फेरिकल सिमेट्री को, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए स्फेरिकल सिमेट्री कंसिडर की जाती है. तो इसलिए यहाँ पे एक स्फेरिकल कैविटी हमने कंसिडर किया जिसका रेडियस क्या था, हमारा स्मॉल आर था. देन अ डायलैक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन टू कैपेसिटर प्लेट, तो ये जो हमारा डायलैक्ट्रिक है दो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में हमारा क्या हुआ है, रखा हुआ है. ठीक है, तो द लोकल फील्ड ई एल, तो हमने जो लोकल फील्ड ई एल से डिनोट करी, जो टोटल इसकी ई प्लस हमारी सारी की सारी जितनी भी फील्ड लगी हुई है उससे हमने ई एल से डिनोट किया हुआ है. तो ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री प्लस ई फोर, तो अगर हमने इसे ई वन कंसिडर किया और इसे ई टू कंसिडर किया, ठीक है, और ये जो अंदर इसके हमारे पॉइंट ऑब्जेक्ट के पॉइंट एटम के जो हमने एक पॉइंट कंसिडर किया, एक स्फेरिकल कैविटी कंसिडर किया, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर किया अगर ई थ्री, और ये कौन सा कंसिडर किया है, हमने ये ई फोर को कंसिडर किया है. तो इसी तरीके से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एल फील्ड है हमारा, इन सबका समेशन आ जाएगा. तो ई वन प्लस ई टू
plus E3 plus E4, where E1, E1 कौन सी फील्ड है? फील्ड ड्यू टू चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. तो ये जो चार्ज डेंसिटी है E1 क्रिएट हुई हमारी प्लेट ऑफ द कैपेसिटर के ऊपर, इसे हमने E1 डिनोट किया है. तो E2 क्या हुआ? हमारा फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज ऑन द साइड्स ऑफ द डायलेक्ट्रिक सरफेस. तो डायलेक्ट्रिक सरफेस पे जो इंड्यूस चार्जेस की वजह से जो फील्ड क्रिएट हुई, तो हमने देखा था डायग्राम्स में यहाँ पे, तो जो E2 है इस डायलेक्ट्रिक सरफेस पे, क्योंकि ये तो हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, डायलेक्ट्रिक को हमने इसके अंदर प्लेस किया, तो जो E2 इस पे हमारा क्रिएट हुआ है इंड्यूस चार्जेस. तो ठीक है, तो E1 ये हो गया, E2 ये हो गया. अब क्या आता है हमारा? E3 आता है. तो E3 क्या है? फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ओल्ड डायपोल इनसाइड द स्फेरिकल कैपेसिटी. जो हमारे स्फेरिकल कैविटी हमने कंसिडर किया है, तो फील्ड इंटेंसिटी जितने भी डायपोल्स हमारे क्रिएट हुए हैं उन सब की वजह से. तो यहाँ पे देखिए E3 क्या है, यहाँ पे अंदर वाला है कि जितने भी डायपोल्स हैं इस डायलैक्ट्रिक की वजह से, जितने भी स्फेयर्स इसमें डायपोल्स क्रिएट हुए हैं उन सब के अंदर जो E3 पे है इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल्स की वजह से क्रिएट हुआ है, ये E3 उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. तो सिमिलरली अब आता है हमारा E4. E4 क्या है? फील्ड ड्यू टू द पोलराइज्ड चार्ज ऑन द स्फेरिकल कैविटी. जो स्फेरिकल कैविटी के ऊपर, और E3 क्या है? स्फेरिकल कैविटी के अंदर, इनसाइड द स्फेरिकल कैविटी. और E4 क्या है? स्फेरिकल कैविटी के ऊपर जो हमारी पोलराइज्ड चार्जेस की वजह से जो फील्ड क्रिएट हुई. ठीक है, तो यहाँ पे जो E3 है ये इनसाइड है हमारे स्फेरिकल कैविटी के, और E4 क्या है? हमारा जो फील्ड क्रिएट हुए, जो चार्जेस यहाँ पे डेवलप्ड हुए इसके कैविटी के ऊपर. ठीक है, नाउ अब जो हमारा जो टोटल फील्ड है EL है वो किसके इक्वल रिप्रेजेंट होगा? E+E4. अब देखिए यहाँ पे जो E3 है वो इक्वल्स टू 0, क्योंकि E3 कौन सी फील्ड थी? जितने भी डायपोल्स की वजह से कैविटी के इनसाइड क्रिएट हुई थी, उन सारे जो डायपोल्स जो हमारे कैविटी के जो इनसाइड हमारा क्रिएट हो रहे हैं, जितने भी डायपोल्स क्रिएट हो रहे हैं ये जो कैविटी के अंदर है, इन सब का रैंडम ओरिएंटेशन है. अगर इसका डायपोल्स का इधर ओरिएंटेशन है तो इसका किधर है? इधर ओरिएंटेशन है. तो इन सबके डायपोल्स का अलग अलग ओरिएंटेशन होने की वजह से ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट कर रहे हैं. ठीक है, तो इन सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो फील्ड इंटेंसिटी डायपोल्स की वजह से बनी कैविटी के इनसाइड, वो क्या हो गई? कैंसिल आउट हो गई, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड है E3 क्या हो गई? 0 हो गई. ठीक है, तो जो हमारी E1 और E2 का अगर हम सम करें, क्योंकि E1 भी हमारी क्या है? जो हमारा मेन जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगा है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और E2 किसके ऊपर थी हमारी? जो हमारी इंड्यूस चार्ज डेवलप्ड हुई डायलैक्ट्रिक सर्फेस के. इन दोनों का एक सेम है, इनका जो डेरिवेशन है, जो इनकी वैल्यू सेम है, इसलिए हमने इन्हें E से डिनोट कर दिया, इन दोनों के सम को. तो हमारे जो टोटल EL फील्ड निकल के आई वो क्या निकल के आई? हमारी EL इक्वल्स टू E+E4, और यहाँ पे E3 क्या है? 0 है, और E क्या है यहाँ पे? E1 प्लस E2 का सम है. तो टोटल हमारी लोकल फील्ड है E+E4. हमें उसका E4 की वैल्यू को अब हम क्या करेंगे? कैलकुलेशन करना है आगे हमें फर्दर डेरिवेशन में.